हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ITI स्टडी में। तो आप कैसे होंगे, दुआ करते हैं आप सब घर में सुरक्षित होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपने स्टडी को बेहतर बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा चैनल आता है फायर। कौन सा फायर? और फायर को आप क्या कहते हैं? अपने आग। इससे पहले मैं जो पीछे किया है उसका रिवाइज करना चाहता हूं कि आज तक हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ट्रेड इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद में वर्कशॉप में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बाद में फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड में हमें क्या क्या करना चाहिए। जब कृत्रिम श्वसन की मैंने विधियां बताई थी तो आपने वो याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? सिसेला, सी से सीधा, सी से सिल्वेस्टर और से सेफर लसन लाबर्ड। ऐसे ही आपको याद होगा। वो आपका चैप्टर तकरीबन आप 6 नंबर कंप्लीट कर चुके हो। जो आज का चैप्टर है हमारा आग, ये कम से कम 3 नंबर लेके आएगा आपके, क्योंकि हर बार एक प्रश्न पूछता जरूर है। आग क्या है? आग एक ऐसी एक चीज है जो किसी ज्वलनशील में आग ईंधन और ऊष्मा और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। तो सबसे पहले प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों कि आग में कौन कौन से अवयव सम्मिलित होते हैं। तो यहां एक ट्राइंगल आता है और आपके हर बार पूछा जा सकता है कि ये ट्राइंगल, इसको बोला जाता है फायर ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? फायर, याद कर लेना, फायर ट्राइंगल। फायर ट्राइंगल में क्या होता है? सबसे यहां लिखेंगे ऑक्सीजन, यहां लिखेंगे ईंधन और यहां लिखेंगे ऊष्मा। ये बन गया दोस्तों आपका फायर ट्राइंगल, या दहन त्रिकोण बोल देते हैं इसको। क्या? दहन त्रिकोण। आपने इसको याद रखना है कि प्रश्न आपसे पूछेगा क्या, देखो ध्यान से इसको, यहां देखो प्रश्न पूछने वाला पूछेगा कि एक फायर ट्रायंगल में क्या क्या चीजें मिश्रित होती है। तो आपने सिर्फ अपना ही याद रखना है कि एक ऑक्सीजन होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीजन, यहां लिखा हो सकता है O2 भी। दूसरा होगा हीट, हीट लिखा आ सकता है, ऊष्मा आ सकता है। अब हमें पता है जब हमारे पास ऑक्सीजन है और ऊष्मा है तो जलाने के लिए कुछ हमें माध्यम चाहिए, वो हमारा होगा ईंधन। ईंधन हमारा चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, गैस हो, कुछ भी हो, हर चीज को जलाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अकेली हमेशा दो चीज से आग कभी नहीं बनती। मान लेते मेरे पास ईंधन और ऊष्मा है, मेरे पास तेल है और ईंधन है, दोनों को अगर मैं गर्म, अच्छा टेम्परेचर हो, ईंधन हो, तो वो नहीं चलेगा जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। इसी तरह मान लेते मेरे पास ऑक्सीजन और ईंधन है और ताप नहीं है, तो बिना ताप के ये नहीं चलेगी। इसलिए इस ट्रायंगल का यही महत्व रहता है कि आप जब आग लगती है तो ये तीनों कारक होते हैं। अगर तीनों कारक में से किसी एक को हटा दिया जाए, जब हटा देंगे तो क्या होगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। तो आज पढ़ते हैं आग के प्रकार। यहां तक समझ में आ गया होगा, कुछ किताबों में ये फायर ट्रायंगल दिया है, कुछ में नहीं दिया, तो आप इसको नोट कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा हमेशा कोई भी जब चैप्टर चल रहा हो आपका तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, ताकि जितना अच्छा कमेंट हो उतना अच्छा मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो ही नहीं आपको, सर ये गलत करा दिया। जो गलत हो आप उसे गलत बताइए, जो समझ नहीं आए उसे आप बताएं, हम उसको आपको पूरा का पूरा प्रति उत्तर में आपको मिलेगा। आग को हम प्रकार में बांट देते हैं, इसे श्रेणी, ये ABCD लेके बैठ गए अपने को, अपने ABCD चल रहे हैं काफी टाइम से, तो आज फिर ABCD सीखते हैं। A, B, C और D आज तक हमने पढ़ा, इसको लिखेंगे श्रेणी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, 4 श्रेणियों में हमें आग मिलती है। तो सबसे पहले वाली आग को कहते हैं, इस बोला तो इसको ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे कि ए श्रेणी की आग में कौन से पदार्थ आते हैं या क्या आता है, बी श्रेणी की आग कौन सी होती है, सी की कौन सी होती है, डी की कौन सी होती है, फिर भी इनका नाम लिखेंगे अपने। इसको बोलते हैं कार्बोनीसीसीएस, कार्बोनीसीएस या कार्बनीय आग, सीधा लिख सकते हैं कार्बनीय आग, लिख दिया दोस्तों। बी श्रेणी में जो आग आती है उसे अपने बोलते हैं तेलीय
आग। सी श्रेणी वाली को बोलेंगे अपने गैसीय आग और डी श्रेणी वाली को बोलेंगे अपने विद्युतीय विद्युतीय आग। आपने यहां प्रश्न सीधा आपका तीन नंबर बन रहे हैं दोस्तों, कैसे कि आपने प्रश्न पूछा सी श्रेणी की आग कौन सी होती है, सीधा सा उत्तर दो गैसीय। यहां कुछ गलतियां होती है, यहां आपसे जो भी प्रश्न किया जाए आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। सीधा याद रखना है ए बी सी डी, ए को आपने याद रखना है कार्बनीय और डी को याद रखना है विद्युतीय। उत्तर यहां जाके गड़बड़ होता है कि बी वाली तेलीय थी या सी वाली तेलीय, तो यहां उल्टा हो जाता है कि भाई हम एक बी को गैसीय कर देते हैं सी को तेलीय कर देते हैं, तो इतना कंफ्यूजन आपने हटा लेना। ये कंफ्यूजन कौन सा था जी मेरे दोस्तों, जो सेफर सिल्वेस्टर वाला था, तो उसको आपने हटा लिया था, सीसेरा लिख के सी से सीधा हो गया, से सेफर हो गया और सेफ और ला लाबाउड हो गया। उसी तरह आप इसको समझो तो ए वाला कार्बोनेसिस हटा दो, डी वाला विद्युतीय बचे बीच में दो, तो बी श्रेणी में हमेशा तेलीय आग होती है। अब इन आग के बारे में पढ़े, सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्बनीय आग। कार्बनीय आग में क्या होता है, जैसे ये गत्ता लकड़ी कोयला ये सारी आग आती है हमारी इसमें ए श्रेणी में, ए श्रेणी की आग, क्योंकि जिनमें जलने पर लगभग कार्बन पैदा होता है, क्योंकि ये लगभग सभी धुएं देते हैं कार्बनीय, तो इनको कार्बनीय आग बोल दिया। कपड़ा हुआ, कागज हुआ, गत्ता हुआ, लकड़ी हुई, कोयला हुआ, ये सभी के सभी हमारे आते हैं ए श्रेणी की आग में। नेक्स्ट देखते हैं बी श्रेणी की। बी श्रेणी में क्या होता है, ये ड्रम बना दिया आपने और ये ड्रम ये क्रॉस कर दिया, ध्यान रखना है इसका, क्योंकि इसमें क्या है तेल, तेल कोई भी हो सकता है आपका जो जल रहा है, चाहे वो मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी तेल ज्वलनशील होते हैं वो सारे तेल ये आग में आएंगे। अब बात आती है कि लकड़ी को बुझाने के लिए, यहां कल अपने पढ़ेंगे फायर एग्जीक्यूशन जिसे बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, तो उन यंत्रों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं लकड़ी की आग बुझाने के लिए, पानी से बुझ सकती है, बुझ जाएगी, और क्या चाहिए अपने कार्बन डाइऑक्साइड से बुझ जाएगी। लगभग लकड़ी की आग में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती कि वो नहीं बुझे, बल्कि दूसरे सभी जो बचे ABCD इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हम डायरेक्ट नहीं बुझा सकते। जैसे तेलिए की बात आ गई, तेलिए में हमने चर्चा की कि तेल से लगने वाली आग बी श्रेणी की आग होती है, तेल जो किसी भी तरह को ज्वलनशील होना चाहिए। अब इसको बुझाने के लिए अगर क्या पानी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे यहां आग लगी हुई है, ये एक तरल है, तो इस तरल पे जैसे पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है भारी होता है, नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, आग फैल जाएगी, इसलिए पानी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां अपने करेंगे ड्राई पाउडर, कौन सा दोस्तों, ड्राई पाउडर और CO2, और CO2 क्या करता है O2 को खत्म करता है, O2 को खत्म करेगा तो हमारा फायर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जब हमारे पास O2 नहीं बचेगा तो हमारी आग अपने आप बुझ जाएगी। आगे आता है हमारा गैसीय आग। गैसीय आग में क्या होता है, जो भी गैसें हैं आजकल जैसे LPG है, CNG है, जैसे LPG गैस हो गया, CNG हो गया, जो भी गैसेज है और जो जलने लायक है उन गैसों से लगी आग को हम लेते हैं सी श्रेणी की आग में। तो इसको बुझाने के लिए अपने क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे क्या हम ये ले सकते हैं फोम वाला, फोम वाला किस पे होता है दोस्तों, फोम वाला तेलीय आग पे होता है, या ड्राई पाउडर ले सकते हैं, कौन सा ड्राई पाउडर। अब बात आती है अंतिम विद्युतीय आग की। विद्युतीय आग कैसे लगती है, जैसे हमारा एक फैक्ट्री है, हमारी वर्कशॉप है, कोई तारों का काफी पुराना हो जाना, आपस में चिपक जाना, ओवर हीट हो जाना, कई ऐसे कारण होते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट कारण होना, तो आग लग जाती है। और वैसे आग को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम विद्युत से लगी आग पे पानी डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्या हम फोम वाला एग्जीक्यूशन डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि फोम वाले में क्या होता है, इसमें विद्युत के चालन के गुण होते हैं, अगर ये डालेंगे तो आग और फैल जाएगी, इसलिए अपने क्या करते हैं, इसमें एक नाम आता है CTC, CTC का नाम इसको पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इससे ज्यादातर विद्युतीय आग बुझाई जाती है। कल अगर हम अपना चैप्टर पूरा कर लेते हैं तो तकरीबन हम 6 अंक का एक
भाग पूरा कर लेंगे। आज हमारे में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आग का सीधा श्रेणी आपको याद रखना है, ए बी सी डी। ए का याद रखिएगा कार्बन निकलता है, और डी में क्या होता है विद्युत की आग होती है। बी और सी का कंफ्यूजन है वो हटा देना है, बी को पूरा रट्टा लगा लेना है कि मेरे पास तेल ही है, और सी में अपने आप गैस बच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, जय हिंद जय भारत।